तक देखते हैं कि इस तरह के जो एम्यूनिशंस होते हैं उनके लिए स्पेशली हमें गाड़ी की जरूरत पड़ती है डिप्लॉय करने के लिए, इसे गाड़ी पर ही बना दिया गया ताकि इसको ले जाना ऑपरेट. दिस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड. अभी आर्टिलरी गन्स, पहले तो आर्टिलरी गन स्टोर होती थी. आर्टिलरी गन, ये जो 105 गन तो ब्रिटिश जमाने से बन रही है हमारे देश में. तो उसको एक ट्रक लगता है, बड़ा ट्रक, उसको टोक, उसकी उसका वजन है 3 टन. नहीं, जो इंडिया में बनती है. तो हमने सोचा ये इतनी हैवी गन, हर गन के लिए एक ट्रक लगेगा ले जाने के लिए, तो हम क्यों ना कुछ डिज़ाइन करें कि वो गन का वेट कम हो जाए और जो पैरा ड्रॉपेबल भी हो, आप पैराशूट से ड्रॉप कर सकते हैं. पैरा ड्रॉप, एंड आफ्टर इट कम्स ऑन द ग्राउंड इन 1.5 मिनट्स इट्स ऑपरेशनल. तो इसकी मेन टेक्नोलॉजी है कि ये रिकॉइल सिस्टम जो है, ये स्पेशल रिकॉइल सिस्टम है हमने डिज़ाइन किए. रिकॉइल सिस्टम से इसका रिकॉइल फोर्स 50% कम हो जाता है, और जब रिकॉइल फोर्स 50% कम हो जाता है तो गन का वेट 2/3 कम हो जाता है. वो 3 टन के बजाय इसका वेट है 900 किलोग्राम. एग्जैक्टली. तो ये गन ईस्टर्न कमांड ने पूरी ईस्टर्न सेक्टर हिमालयाज में 3 महीने के लिए ट्राई की. इट वेंट टू 18,000 फीट. ये भी ट्रक जो है, ये दिस इज अ गो एनीवेयर ट्रक. इसको रास्ता नहीं लगता, आप कहीं भी जाओ, कोई भी ऊंचाई पे जाओ. इस तरह की हथियारों की बहुत ज़रूरत है जिस तरीके से सीमा पर इस वक्त तनाव है. इसका प्रॉब्लम क्या है कि मतलब फर्स्ट टाइम कोई इंडियन कंपनी अपने दिमाग से चीज़ें बना रही है, तो लोगों को इसका अभी तक यू नो दे आर ऑल यूज टू इम्पोर्टेड थिंग. जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कि नहीं बननी चाहिए. एग्जैक्टली. लेकिन एक और चीज़ है ना, जैसे हम आप इतनी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, आज आपके स्टॉल पर हम हैं, लोगों को बहुत दिलचस्पी है क्योंकि इस तरह के इतने बड़े पैमाने पर चीज़ें नहीं बना रहे. तो कोई बना भी रहा है टोटगन तो सिर्फ एक बना रहा है, आपके पास वेरियंट्स हैं. हमारे 9 प्लेटफॉर्म है. हमने काफ़ी पैसे खर्च किए हैं इसके लिए.